अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मोल्ड बेस्ड पार्ट्स, देखो किसी भी मोल्ड के अंदर है ना कुछ मोल्ड बेस्ड पार्ट्स होते हैं, मोल्ड बेस्ड पार्ट्स होते हैं। इन द सेंस क्या होता है कि जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, एक कंप्लीट मोल्ड है, ठीक है, कंप्लीट मोल्ड है, उसके अंदर एक क्या रहेगा, एक टॉप प्लेट रहेगी, उसके बाद क्या रहेगा, एक कैविटी प्लेट रहेगी, जनरली मैं कैविटी प्लेट बना रहा हूँ, ओके कैविटी प्लेट, उसके बाद रहेगी एक कोर प्लेट, क्या रहेगी इसके अंदर, एक रहेगी कोर प्लेट। तो ये एक ग्रीन कलर की मैं क्या ले लेता हूँ, एक कोर प्लेट, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद कोर प्लेट के बाद कोर बैक प्लेट, कोर बैक प्लेट, ओके, उसके बाद रहेगा स्पेसर ब्लॉक, क्या रहेगा स्पेसर ब्लॉक, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा यहां पर बॉटम प्लेट, क्लियर है। तो बेसिकली यहां पर मैंने कितनी प्लेटें बनाई, यहां पर मैंने बनाई एक टॉप प्लेट, ठीक है, केविटी प्लेट। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं फिक्स्ड हाफ, क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड हाफ, ठीक है। यहां पर यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मूविंग हाफ, मूविंग हाफ, ओके, क्या बोलेंगे, मूविंग हाफ, क्योंकि यहां पर ये क्या होती है, इसकी पार्टिंग लाइन होती है, पार्टिंग लाइन ऑफ द पार्टिंग सरफेस होती है, राइट। तो ये क्या हुआ इसका, ये हो गया इसका कैविटी वाला पोर्शन, तो बेसिकली यहां पर क्या रहेगी, इसकी कैविटी रहेगी। ये क्या हो गया इसका कोर वाला पोर्शन, तो इसको मैं जरा ग्रीन से शो कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ये क्या हो गया, ये कोर वाला पोर्शन, देखो ये, राइट, आया समझ में, ठीक है। तो ये कंप्लीट, इसके अंदर क्या है, कुछ चाइल्ड पार्ट को भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, जैसे चाइल्ड पार्ट इन द सेंस क्या है, मेरे पास यहाँ पर है स्प्रू बुश, येरा स्प्रू बुश, और इसको इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ, येरा स्प्रू बुश, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक मटेरियल आ रहा है, मटेरियल को यहाँ पर बनाए थे, ये इसके अंदर क्या आया, एक मटेरियल आया, ये रहा मटेरियल, ठीक है, किसके कहाँ से आया, ये स्प्रू वाले पोर्शन से आया, राइट। और इसके अंदर क्या हो गया, वो फील हो गया, पूरा भरा गया, ठीक है, ठीक है भाई, आया समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्प्रू हो गया। इसके ऊपर मैं क्या देता हूँ, एक और पिन दे, यहाँ पर एक और चीज, एक और पार्ट देता हूँ, इसको बोल क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रजिस्टर रिंग और द लोकेटिंग रिंग, क्या बोलते हैं, रजिस्टर रिंग और द लोकेटिंग रिंग, क्लियर है, इतना समझ में आया भाई, 2D में समझा रहा हूँ, अभी समझने की कोशिश करना, ठीक है, अभी ज्यादा उसको वो मत समझना, ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो पार्ट है उसको समझने की कोशिश करो सिर्फ, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या है, बेसिकली जितना भी मैंने अभी पोर्शन आपको यहाँ पर बताना चाहा है, और जितना भी मैंने आपको यहाँ पर पोर्शन बताया है, इसको मैं कैसे जोड़ूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा बोल्टिंग से। यहाँ पर क्या है, एक बोल्टिंग ले लेता हूँ, ये रही बोल्टिंग, ठीक है, यहाँ पर वही बोल्टिंग हो गई, ठीक है, देखो, ओके, इसको मैंने क्या कर दिया, बोल्ट कर दिया। इन दोनों प्लेटों को भी मुझे आपस में जोड़ना पड़ेगा, राइट, इसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ये रहा बोल्टिंग, आया समझ में, इतना क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में। ये क्या हुआ, एक ये क्या हुआ, इसकी बोल्टिंग कर दी दोनों प्लेटों की, और ये क्या हुआ, इन पूरी असेंबली की बोल्टिंग कर दी। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां पर ये हो गया फिक्स्ड हाफ, ये एक पोर्शन पोर्शन बन गया, ये वाला एक पोर्शन बन गया, और ये एक सिंगल पोर्शन बन गया। ये क्या करेगा, अपनी फिक्स्ड पोजिशन में रहेगा, फिक्स्ड पोजिशन में रहेगा, और ये क्या करेगा, मूव करेगा, ये क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करते टाइम यहां पर इसके अंदर रहेगी इजेक्टर ग्रिड, बेसिकली इजेक्टर ग्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इजेक्टर प्लेट एंड द इजेक्टर बैक प्लेट, इजेक्टर ग्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इजेक्टर प्लेट एंड द इजेक्टर बैक प्लेट। यहां पर इजेक्टर प्लेट कौन सी है, ये इजेक्टर प्लेट जिसको बोलते हैं रिटर्न प्लेट भी बोलते हैं, देखो इजेक्टर रिटर्नर प्लेट, राइट, इसको रिटर्न प्लेट भी बोलते हैं, और ये क्या है, इजेक्टर बैक प्लेट, इसको बोल सकते हैं इजेक्टर प्लेट, और इसको क्या बोल सकते हैं, इजेक्टर बैक प्लेट, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया आपको। एक रेफरेंस के लिए एक मॉडल भी बता दूंगा, डोंट वरी, हाँ बताइए, ठीक है। यहां पर मैंने आपको एक सिंपल सा मोल्ड बताया जिसको आप बोल सकते हो टू प्लेट मोल्ड, क्या बोल सकते हो, टू प्लेट मोल्ड। इसके अंदर कोल्ड रनर मोल्ड है, बेसिकली क्या है, ये क्या है, ये जो स्प्रू है ना, ये कंपोनेंट का ही पार्ट है, जो कि बाद में निकलने के बाद इसमें से क्या होगा, मैनुअली कट होगा,
मैनुअली क्या होगा, कट होगा, ठीक है। इसके अंदर वो पार्ट्स दिख रहे हैं कि अभी आपको नहीं दिख रहे, तो ये भी बेसिकली मोल्ड बेस है जिसके अंदर मैंने सिर्फ प्लेट और चाइल्ड पार्ट्स को बताया है, जिसके अंदर स्क्रू बुश को नहीं बताया है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर गाइड पिलर और गाइड बुश को मैंने शो किया है, ठीक है। तो गाइड पिलर गाइड बुश तो भाई इसके अंदर भी होंगे अवेलेबल, है कि नहीं, गाइड पिलर और गाइड बुश, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक गाइड पिलर बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, ये हो गया इसका गाइड पिलर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या हो गया इसका गाइड पिलर, ओके। और इसके अंदर और क्या बना देते हैं, एक बुश को बना देते हैं, बुश को बना देते हैं, ये हो गया इसका बुश, ये हो गया इसका बुश, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जितने मैंने पार्ट्स आपको बताया ना, ये किसके पार्ट्स हैं, मोल्ड बेस के पार्ट है, किसके पार्ट्स हैं, मोल्ड बेस के पार्ट है। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ कि नहीं भाई? कोई भी मोल्ड बनाओगे ना तो इतने पार्ट्स तो आपको कम से कम उस मोल्ड के अंदर बनाने पड़ेंगे, तभी आपका मोल्ड कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है ये, ठीक है, मोल्ड बेस की जो चीजें होती है ना, मोल्ड की जो सिंपल सिंपल चीजें होती है, मैं वो आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि आप जब मोल्ड को समझने लग जाओ ना तो आपको आसानी हो, राइट। ये क्या, ये कौन सा एरिया है यहाँ पर, टेल मी, क्लैंपिंग एरिया, बिल्कुल। तो मशीन जो है ना वो इस पोर्शन पे क्या होगी, क्लैंप होगी, यहाँ पर क्लैंप होगी, तो मशीन बेसिकली क्या है, इस पोर्शन को क्लैंप कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर एक एडिशनल प्लेट दी है, स्टीपर प्लेट, एडिशनल प्लेट दी है, क्या है, स्टीपर प्लेट। चलो स्टीपर प्लेट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम लोग पहले सभी पार्ट्स के नाम जान लेते हैं। ये क्या है, टॉप प्लेट, ये क्या है, ए प्लेट, ए प्लेट इज नथिंग बट ए प्लेट इज द कैविटी प्लेट, बी प्लेट इज द कोर प्लेट, बी प्लेट इज द कोर प्लेट, ठीक है। ये क्या है, स्टीपर प्लेट है ना, इसको अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, मैं बताता हूँ स्टीपर प्लेट क्या होता है। ये क्या है, गाइड पिन एंड द गाइड बुश, गाइड पिन और गाइड बुश क्या काम आता है भाई, गाइड पिन और गाइड बुश क्या काम आता है, फॉर द बेटर अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब मान के चलो, अगर ये हमारा फिक्स्ड हाफ है, ये हमारा अगर फिक्स्ड हाफ है और ये क्या है, मूविंग हाफ है, तो इसका सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए, मतलब ये इसका सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए हमको गाइड प्लेयर और गाइड बुश की जरूरत पड़ती है, ताकि ये क्या एक दूसरे से ऑफसेट ना हो, एच टू एच, राइट। तो ये अलाइनमेंट काम आता है, राइट, ठीक है। तो इसका मटेरियल भी हार्ड मटेरियल होगा, क्योंकि बार बार ये क्या है, वर्किंग कंडीशन में है, क्या है, वर्किंग कंडीशन में है, राइट। उसके बाद यहां पर देखो, ये है बैक प्लेट, ये कौन सी है, बैक प्लेट, तो कोर बैक प्लेट है बेसिकली, इसको बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको कोर प्लेट मानूं तो ये क्या होगी, कोर बैक प्लेट होगी। अगर इसको मैं बी प्लेट कोर प्लेट मानूं तो ये क्या होगी, ये बैक प्लेट होगी, राइट। ये क्या होगी हमारी, बैक प्लेट। बैक प्लेट क्या काम आती है, बैक प्लेट बेसिकली पीछे अगर जो एलिमेंट्स वगैरह है ना, जिसको हम लोग कॉलर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकल इंसर्ट, लिख लीजिए, जिसको हम लोग लोकल इंसर्ट बोलते हैं ना, लोकल इंसर्ट, ठीक है। तो वो लोकल इंसर्ट को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग बैक प्लेट का उपयोग करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर शट हाइट अगर हमारे मोल्ड की कम पड़ रही है, शट हाइट अगर हमारे मोल्ड की कम पड़ रही है, तो बीच में एक प्लेट को डालकर हम उसकी शट हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लोकल इंसर्ट के लिए ये यूज किए जाते हैं। यहां पर ये क्या है, ये है स्पेसर। स्पेसर बेसिकली इजेक्टर ग्रिड को एक स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। स्पेसर क्या करते हैं, स्पेसर इजेक्टर ग्रिड को एक स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। देखो यहां पर ये रेड कलर के क्या दिख रहे हैं, इजेक्टर ग्रिड दिख रही है, और यहां पर ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, स्पेसर। तो यहां पर ये वाली जो जगह दिख रही है ना आपको, जिसको मैं हैश कर रहा हूं अभी, क्या कर रहा हूं, जिसको मैं हैश कर रहा हूं, ये जो जगह है ना, ये क्या है, खाली जगह है, खाली जगह है, मतलब ये स्पेस है एक, मतलब ये जो हमारा इजेक्टर ग्रिड है, ये क्या कर सकता है, इस पोजिशन में मूव कर सकता है, इस पोजीशन में मूव कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इजेक्टर ग्रिड ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंपोनेंट के इजेक्शन के लिए, ये कंपोनेंट के इजेक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये ही कंपोनेंट का इजेक्शन करता है। आफ्टर ओपनिंग द मोल्ड जो इजेक्शन होता है वो इसके द्वारा होता है, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसर ब्लॉक, और ये क्या है, इजेक्टर ग्रिड। इजेक्टर ग्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इजेक्टर प्लेट एंड द इजेक्टर बैक प्लेट। इजेक्टर ग्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इजेक्टर प्लेट एंड द इजेक्टर बैक प्लेट, ओके, आया समझ में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बॉटम प्लेट। बॉटम प्लेट एंड द कोर प्लेट दोनों एक ही साइज की होती हैं। ये भी क्लैंप करने के लिए यूज हो रही है, ये बॉटम प्लेट जो, ये भी क्लैंप करने के लिए यूज हो रही है इनटू द मशीन, इनटू द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, आया समझ में, आया कि नहीं। अच्छा ये क्या है बताइए मुझे, ये क्या है जिसको मैंने डॉट बनाया है,
कूलिंग चैनल, राइट। जैसे इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा एयर कूलिंग चैनल, इसके अंदर एयर कूलिंग चैनल, राइट। कूलिंग शुड बी यूनिफॉर्म फॉर द बोथ साइड, शोलिंग कूलिंग शुड बी यूनिफॉर्म फ्रॉम द बोथ साइड। अगर मैंने यहाँ पर तीन पाइप दिए हैं एक डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी मैं तीन पाइप ही दूंगा। यहाँ पर तीन पाइप नहीं दूंगा तो इनर साइड से मैं अलग टाइप की कूलिंग दूंगा। फॉर एग्जाम्पल स्पायरल कूलिंग का इस्तेमाल करूंगा मैं, यहाँ से इसको ले जाता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसकी कूलिंग को वे देता हूँ, राइट। और इसको यहाँ से इसके अंदर से घुमा लेता हूँ, इसके अंदर क्या हो जाएगा, WEDM, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? रेडियल ड्रिल मशीन का भी तो यूज किया जा सकता है, स्पायरल। वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह के कूलिंग चैनल का वहां पर इस्तेमाल करोगे। अगर मान के चलो कॉम्प्लिकेटेड अगर कूलिंग चैनल बनाओगे ना, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार पार्ट में बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसके अगेंस्ट अगर कोई दूसरी कूलिंग की बात करूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर क्या करता हूं, मैं एक पाइप निकाल देता हूं और इसके अंदर क्या करता हूं, एक चैनल डाल देता हूं, इस तरह से मैंने एक पिन डाल दी, ओके। इसके अंदर पिन डालने के बाद इसके अंदर एक मैंने कोर के अंदर एक होल कर दिया, कोर के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया, कर दिया, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक और क्या करा, एक और ड्रिल करा, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां से मूव करेगा वाटर, यहां से मूव करेगा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां से ये क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक टाइप हुआ बफेल कूलिंग का। ये अलग अलग कूलिंग है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ओके। ये क्या हुआ, एक टाइप हुआ बफेल कूलिंग का, है ना। कई इस तरह से एक बबलर कूलिंग होती है, इस तरह से स्पायरल कूलिंग होती है, कई तरह की कूलिंग्स होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि कंपोनेंट का ज्योमेट्री कैसा है। कंपोनेंट के ज्योमेट्री के हिसाब से ही हम उस कूलिंग को उसके अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। आया समझ में भाई? एक खतरनाक कूलिंग होती है, उसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मल कूलिंग। अगर किसी को पता हो तो, पता है किसी को बताइए तो। ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है भाई, ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट कुछ इस तरह का है, इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। इसका जो पार्टिंग लाइन है वो कुछ इस तरह का है, ये यहाँ से मैंने इसका पार्टिंग लाइन ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कूलिंग प्रोवाइड कराना है, क्या करना है, कूलिंग प्रोवाइड कराना है, राइट। तो इसकी कूलिंग कैसी होगी, इसकी कूलिंग इसकी ज्योमेट्री को क्या करेगी, फॉलो करेगी, फॉलो करेगी, इसकी ज्योमेट्री को क्या करेगी, फॉलो करेगी। अगर अगर आप इसको टॉप व्यू में देखोगे, अगर ये हमारा कंपोनेंट है, तो इसके अंदर जो कूलिंग रहेगी ना, वो कुछ इस तरह की रहेगी, आया समझ में? तो ये कॉन्फॉर्मल कूलिंग है, क्या है ये, कॉन्फॉर्मल कूलिंग, जो कि बनाना इतना आसान नहीं है, जिसके लिए हमको 5 एक्सिस मशीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि 2-3 पार्ट में बनता है। इसका आधा चैनल कैसे दूसरी प्लेट में बनेगा, आधा चैनल दूसरी प्लेट में बनेगा, फिर दोनों प्लेटों को हम लोग गैसकेट वगैरह या किसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, एड करेंगे, ये एक अलग चीज है। चलो हम लोग यहां पर आते हैं फिर से वापिस, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ कि जितना मैंने अभी आपको बताया अबाउट द मोल्ड बेस, इतना समझ में आया, मोल्ड बेस के अंदर कितनी कितनी चीजें आती हैं, ठीक है। देखो टॉप प्लेट, ठीक है, कैविटी प्लेट एंड द कोर प्लेट, कैविटी बैक प्लेट एंड द कोर बैक प्लेट, राइट, स्पेसर ब्लॉक एंड द बॉटम प्लेट, एंड हियर इज द इजेक्टर ग्रिड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इजेक्टर प्लेट एंड द इजेक्टर बैक प्लेट, है ना। हियर इज द गाइड बुश एंड द गाइड पिन, जिसको गाइड पिलर और गाइड बुश भी बोलते हैं, गाइड पिलर और गाइड बुश भी बोलते हैं, राइट और रॉन्ग, आए समझ में, ठीक है। ये क्या होती है, बोल्टिंग, इसको बोलते हैं एलन बोल्टिंग। एलन बोल्टिंग को भाई हम लोग यहाँ पर एसटीडी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि एलन बोल्टिंग को अगर मैं बात करूं तो एलन बोल्टिंग क्या आप अपना खुद का एलन बोल्ट बनाओगे क्या? मैं आपको बोलता हूँ कि M10 का बोल्ट लगाना है आपको, तो आप खुद का बनाने वाले हो क्या M10 बोल्ट? भाई वो तो स्टैंडर्ड उठाओगे ना, स्टैंडर्ड लोगे, हाँ, है ना। तो वही चीज है, अगर मान के चलो इसका क्या है, स्टैंडर्ड लोगे, तो आप खुद तो बनाने नहीं बैठोगे ना भाई, बताओ मुझे कि बैठोगे नहीं ना, हाँ नहीं, बनाने बैठोगे तो पता चले बोल्ट के, एलन बोल्ट के हमको एक नई फैक्ट्री खोलनी पड़ रही है टूल बनाने के लिए, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, गाइड प्लेयर और गाइड बुश, गाइड प्लेयर गाइड बुश बहुत वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, तो ये जो मटेरियल रहेगा ये हार्ड मटेरियल रहेगा, है ना, हार्ड मटेरियल रहेगा। यहाँ पर अगर मैं मटेरियल की बात करूं,
मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट रहेगी ना, ये क्या रहेगी, एमएस मटेरियल की, एमएस मटेरियल इन द सेंस माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। यहाँ पर कोर प्लेट और द केविटी प्लेट रहेगी। अगर हम लोग सॉलिड कोर और केविटी प्लेट की बात कर रहे हैं तो इट विल बी अबाउट P20 मटेरियल, P20 मटेरियल की रहेगी फॉर द प्लास्टिक। ठीक है, P20 मटेरियल में भी भाई ग्रेड आते हैं, कैसे, अलग अलग ग्रेड, हाई, मीडियम और द लो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन रेट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है। और ज्यादा का अगर मान के चलो कम अगर प्रोडक्शन चाहिए तो हम लोग C45 का यूज करेंगे। C45 इज द मटेरियल विच इज लेस हार्डन देन द P20 मटेरियल। ओके, और थोड़े कम चाहिए, सोई कंपोनेंट चाहिए तो बोले एमएस का यूज कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर P20 से भी ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, H11 और द H13 मटेरियल का यूज करेंगे विच इज द मोर हार्डन देन द P20 मटेरियल। भाई वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द मटेरियल साइंस ऑल्सो, थोड़ा बहुत तो मटेरियल साइंस का नॉलेज होना चाहिए, राइट। जितना रिक्वायर्ड है मोल्ड डिजाइन के ड्यूरिंग, मैं आपको बताऊंगा, ड्यूरेशन जो भी हमारा चलेगा कोर्स का उसके दौरान मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, यहाँ पर जो ये जो है आप बोल सकते हो कोर प्लेट और कैविटी प्लेट, ये क्या रहेगी, P20 मटेरियल की। अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट यूज कर रहा हूँ, इफ आई एम यूजिंग इंसर्ट इन टू द कोर एंड कैविटी, देन वी कैन यूज, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इंसर्ट को P20 मटेरियल का यूज करेंगे, इंसर्ट को P20 मटेरियल का यूज करेंगे, लेकिन जो इसकी हाउसिंग रहेगी, इसका जो घर रहेगा जहां पर वो रहेगा, इंसर्ट रहेगा, राइट, उसका क्या यूज करेंगे, उसको हम लोग एमएस मटेरियल की हाउसिंग ले सकते हैं। भाई हम लोग क्यों इतना मटेरियल बिगाड़ेंगे, महंगा है, पैसा तो बचाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोर और कैविटी इंसर्ट दोनों हम लोग P20 मटेरियल के लेंगे तो हमको छोटा ब्लॉक लेना पड़ेगा P20 मटेरियल का, बाकी क्या ले लेंगे, एमएस ले लेंगे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, यहाँ पर जो इजेक्टर ग्रिड है, इजेक्टर ग्रिड जिसमें इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट आता है, ये क्या है, ज्यादा वर्किंग कंडीशन में होता है। भाई जितनी बार क्या होगा, गाइड पिलर और गाइड बुश मूव करेगा उतनी बार ये भी तो मूव करेगा, लेकिन गाइड पिलर गाइड बुश एक दूसरे में मूव कर रहा है, ये क्या है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो इसके लिए जो मटेरियल रहेगा वो इससे कम रहेगा हार्डनेस। अगर मैं सभी मोल्ड बेस की चीजों को एमएस मटेरियल की ले रहा हूँ ना, तो इसको कम से कम मुझे C45 मटेरियल का कम से कम लेना पड़ेगा, C45 मटेरियल का लेना पड़ेगा दोनों को। आए समझ में। ठीक है, यहां पर मैंने आपको किसके बारे में बताया, गाइड प्लग और गाइड बुश के बारे में। इसका जो मटेरियल रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा EN353। कौन सा रहेगा, EN353। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, और तो अगर एक और है मटेरियल जिसको EN24 भी बोलते हैं, उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए, 31 भी यूज कर सकते, उसकी हार्डनेस भी अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन EN353 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली क्या है, एक्सटेंडेड मटेरियल है जो कि हेस्को और फ्यूरेशिया और द DME स्टैंडर्ड, ये क्या है, ये लोग फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, यहां पर एक और कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं बुश, बुश बुश कौन से मटेरियल का रहेगा, बुश भी P20 मटेरियल का रहेगा। भाई क्यों रहेगा P20 मटेरियल का, इसका कारण कोई बताएगा मुझे एक बार। यहाँ पर रहेगा रजिस्टर रिंग, लोकेटिंग रिंग, ये क्या रहेगी, एमएस की रहेगी, मेल्ड स्टील की। एमएस जो लोकेटिंग रिंग है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो इसका बैरल होता है ना, और जो इसका नोजल होता है, मशीन का जो नोजल होता है, मशीन के नोजल को इसके सेंटर से अलाइन करने का काम होता है, किसका, रजिस्टर और लोकेटिंग रिंग का। ठीक है, आया समझ में। इतना मुझे ये बताओ कि मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना आपको, ये स्प्रू बुश, ये P20 मटेरियल का क्यों ले रहे हैं हम लोग, जी मोल्टेन मटेरियल जो, आप एक चीज एक लाइन लिख लो कि जिस भी एलिमेंट है और जिस भी पार्ट है, अगर आपका मोल्टेन मटेरियल टच हो रहा है ना, तो भाई वो आपका हार्डेंड मटेरियल होगा, हार्डेंड मटेरियल होगा। अब यहां पर मोल्टेन मटेरियल कहां से टच हो रहा है, देखो देखते हैं, मटेरियल टच हो रहा है स्क्रू बुश से, टच होके जाएगा स्क्रू बुश में, पूरा अंदर जाएगा, इंप्रेशन में जाएगा, मतलब कोर और कैविटी इंसर्ट में जाएगा। ठीक है, कोर और कैविटी इंसर्ट में जाएगा, तो भाई हमारा कोर कैविटी और स्क्रू बुश ये वाला जो पार्ट क्या रहेंगे हमारे, ये क्या रहेंगे, P20 मटेरियल के रहेंगे, हार्डेंड मटेरियल रहेंगे, राइट। अब इसके अगेंस्ट अगर मैं गाइड पिलर गाइड बुश की बात करूं, ये हम लोगों ने इतना हार्ड क्यों लिया है, क्योंकि ये एक दूसरे में वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। इसका जो टॉलरेंस होता है ना, वो होता है S7 और द G6। S7 G6 मतलब होता है स्लाइड फिट क्लियरेंस फिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्लाइड फिट क्लियरेंस फिट। ओके, क्लियरेंस फिट के अंदर ये स्लाइड फिट है। ओके,
ठीक है, इस कारण से इसको कौन से मटेरियल का लिया जाता है, EN353, EN24, EN31, जो भी हम लोगों ने अभी बात करी, राइट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये भी वर्किंग कंडीशन में, लेकिन ये किसी के अंदर मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये आउटर में मूव कर रही है। आउटर में मूव कर रही है, सिर्फ इसका काम क्या है, कंपोनेंट को इजेक्ट करने का। तो यहाँ पर इसकी ये हार्डनेस होना चाहिए MS से ज्यादा, या फिर आप बोल सकते हो मोल्ड बेस में जो मटेरियल का हम लोग यूज कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा हार्डनेस कम से कम इसकी होना चाहिए। तो C45 वी आर यूजिंग। ठीक है, यहाँ पर देखो बॉटम प्लेट के लिए MS है ना, यहाँ पर क्या है, स्पेसर ब्लॉक के लिए हम लोग MS लेंगे, कैविटी बैक प्लेट के लिए भी हम लोग MS का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाउसिंग के लिए भी हम लोग MS का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर इतनी बार MS 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 मटेरियल बोल रहे हैं, तो क्या भाई सिर्फ MS मटेरियल का ही यूज होने वाला है क्या? हैं? क्या सिर्फ MS मटेरियल का यूज होने वाला है क्या? हैं? बताओ। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन रेट और रेट ऑफ द कंपोनेंट, अगर प्रोडक्शन रेट भाई ज्यादा चाहिए ना, अगर हमको प्रोडक्शन रेट ज्यादा चाहिए तो इस मोल्ड बेस के मटेरियल को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मान के चलो, अगर प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, आप बोल रहे हो, कस्टमर बोल रहा है सर मुझे तो कम से कम 50,000 शॉट निकालना है इससे, 50,000 शॉट निकालना है, तो कस्टमर को ये बोलो सर इसका मटेरियल चेंज करो और आपका अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाओ, और उसको बोलना पड़ेगा सर इसको क्या है, C45 का मोल्ड बेस ले लो पूरा कंप्लीट C45 मटेरियल का, तो ये आपका जो इसकी मोल्ड की जो लाइफ रहेगी ना वो ज्यादा रहेगी, मोल्ड की जो लाइफ रहेगी ना वो ज्यादा रहेगी कंपेयर टू द MS मोल्ड बेस, राइट। इतना आया समझ में? आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। ठीक है, चलिए।